हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं राजकुमार और आप देख रहे हैं हरियाणा ड्राइविंग स्कूल रेवाड़ी। साथियों, आज आपको वो जानकारी देना चाहूँगा जिस जानकारी का आपको बेसब्री से इंतज़ार था। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने। आज आपको वो जानकारी देना चाहूँगा कि ड्राइविंग सीखने का जो पहला दिन आपका होता है, उस दिन गाड़ी के इंजन को कैसे स्टार्ट करें। पहली बात तो आप गाड़ी के इंजन को स्टार्ट करोगे ना तो डर लगेगा ना, पहली बार यार कैसे करूं स्टार्ट। अचानक गाड़ी का इंजन स्टार्ट होगा, गाड़ी कहीं चली तो नहीं जाएगी, है ना। इस तरह की जानकारी आपको देना चाह रहा हूं। तो चलिए मैं शुरू करता हूं कि पहली बार गाड़ी का इंजन किस तरह स्टार्ट होता है। ठीक है, मैं शुरू करने से पहले आपको बता देता हूँ, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको कि कोई भी काम आपने शुरू किया तो बोलते हैं ना पहले 1 2 3, है ना। मान लीजिए आप स्कूल में पढ़ रहे थे और टीचर आपकी जो है दौड़ करा रहे थे, सारे बच्चे एक लाइन पे खड़े हो गए ना, उस समय क्या बोलेंगे वो 1 2 3, यानी कि तीन कहते ही सारे बच्चे दौड़ते हैं ना। तो आज गाड़ी का जो इंजन स्टार्ट करने की विधि आपको बताने जा रहा हूँ वो भी कुछ इसी तरह की है। एक बार चाबी घुमानी, स्टीरियो में लाइट आएगी। दूसरी बार चाबी घुमानी तो सिस्टम में लाइट आ जाएगी। सिस्टम मतलब इग्निशन स्विच, मैं आपको करके दिखा रहा हूँ और डरने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। और तीसरी बार चाबी घुमाएंगे, तीसरी बार तो गाड़ी का इंजन स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए आज शुरू करते हैं 1 2 3। आइए आप लगातार मेरे साथ बने रहें। बिल्कुल जरा सी बात है और इस बात को जो है आपने पूरे अच्छे से सीख लिया तो गाड़ी का इंजन स्टार्ट करने का जो तरीका है वो आप कभी नहीं भूल पाओगे। अब मैं शुरू करता हूँ। देखिए, पहले गाड़ी को न्यूट्रल करना है, है ना। न्यूट्रल कैसे करना है ये देखिए, नीचे ABC तीन पैडल दिखाई दिए आपको, 1 2 3, ए फॉर एक्सीलेटर, बी फॉर ब्रेक, सी फॉर क्लच। ठीक है, क्लच दबा के और सबसे पहले गाड़ी को न्यूट्रल करना है। न्यूट्रल देखिए, अभी चौथा गियर लग रहा था, मान लीजिए गाड़ी ये न्यूट्रल है, ये तीसरा गियर है, ये न्यूट्रल है, ये चौथा गियर है। ठीक है, इसको अच्छी तरह देख लीजिए, इस पर मैप बना हुआ है ये वाला। हाँ, ये वाला जो मैप है ना, ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये है, ये मेरा हाथ है, ये तीसरा गियर आगे और ये चौथा गियर। ठीक है, सॉरी ये न्यूट्रल था, ये चौथा गियर, तो ये बीच में न्यूट्रल है। ठीक है, ये मैप जो बना हुआ है, इस जगह गियर लीवर खड़ा हुआ है। लेफ्ट किया, आगे लगा दिया फर्स्ट गियर, ठीक इसी तरह लेफ्ट में रख के पीछे लगा दिया सेकंड गियर। लेफ्ट करने का तरीका ये है, लेफ्ट किया आगे लगा दिया फर्स्ट गियर, इधर ही दबा के रखें, इधर। ठीक है, पीछे लाएं, एक बार निकलेगा न्यूट्रल और दूसरी बार सेकंड गियर लगता है। तो अब ये न्यूट्रल किया मैंने, थर्ड से न्यूट्रल कर दिया। ठीक है, न्यूट्रल करने के बाद अब मैं आपको वो विधि बताने जा रहा हूँ जिसमें क्या करना है, 1 2 3, तीन के होते ही गाड़ी का इंजन स्टार्ट हो जाएगा। बहुत अच्छी तरह आप जान लीजिए, कभी भी नहीं भूल पाओगे। बिल्कुल सिंपल और देसी अंदाज में आपको गाड़ी का इंजन स्टार्ट करने की जो विधि है वो आपको बताने जा रहा हूँ मैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। गाड़ी न्यूट्रल करी, हो चुकी है ना, मैंने आपको दिखाया है गाड़ी न्यूट्रल हो गई है। अब क्लच मैंने पूरा दबा लिया है। गाड़ी का इंजन स्टार्ट करने के लिए पहले क्लच को पूरा दबा लें। ठीक है, अब ये चाबी है, ये देखिए चाबी स्विच में लगाई, ये डाल दी, पूरी चाबी डालनी है ये। कई लोग क्या करते हैं, जरा सी चाबी डालते हैं ये फिर अटक जाती है, तो वो घुमाते हैं फिर ये स्टार्ट नहीं होती गाड़ी, लोग ही नहीं घूमेगा। तो अच्छी तरह देखिए पूरा डालें चाबी को, यूँ हिला के थोड़ा सा ना हिला लिया करो, ऐसे पूरी गई ना चाबी। अब देखिए एक बार घुमाऊंगा आवाज़ आएगी, ध्यान रखना है, एक आप नज़दीक आए थोड़ा सा, ये आवाज़ आनी चाहिए, एक आई ना आवाज, ये दो,
सामने देखिए बत्तियां जल गई है ना। अब स्टार्ट होगी गाड़ी तीसरी बार में, एक और दो तो हो चुका, फिर करके दिखाऊं। ये देखिए लॉक किया मैंने, एक आवाज आई ना, एक होते ही ये देखिए स्टीरियो में लाइट आ गई है, दिख रहा है ना आपको, और दो होते ही इग्निशन स्विच की सारी बत्तियां जल जाएंगी। एक हो चुका है, अब देखिए दो, सारी बत्ती जल चुकी ना। अब तीसरी बार आगे घुमाना है दोस्तों, गाड़ी के इंजन की आवाज आएगी, अब जरा ध्यान से सुनना। ये देखिए तीन, ये स्टार्ट हो गई, आई आवाज, एक्सेलेटर दबा रहा हूं मैं, देखिए ये देखिए इंजन की आवाज आ रही है ना, ये एक बार फिर करके दिखा रहा हूं। बंद करने के लिए पूरा बंद कर सकते हैं आप, इसको दबाएं अंदर की तरफ ही, दबा के रखें चाबी को, दबा के एक दो तीन, ठीक है, फिर दोबारा देख लीजिए, चाबी को पूरा डालेंगे, आवाज आएगी देखना, एक दो तीन, ठीक है, समझ गए ना आप मेरी बात को। तो किस तरह गाड़ी का इंजन स्टार्ट किया मैंने, बिल्कुल देसी अंदाज में, एक दो तीन, ठीक है ना। ये था गाड़ी के इंजन को स्टार्ट करने का एक सिंपल साधारण तरीका, मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगेगा और अच्छा लगा भी होगा, ठीक है। इस तरह गाड़ी के इंजन को स्टार्ट आप करेंगे, बिल्कुल घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल आराम से ड्राइविंग सीट पे बैठ के एक दो तीन, तीसरी बार में गाड़ी का इंजन जो है स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, ये ध्यान रहे, डरने की बात नहीं है, जब तक हम गाड़ी में फर्स्ट गियर नहीं लगाएंगे गाड़ी आगे नहीं चलेगी, ठीक है। हैंड ब्रेक हमारा लगा हुआ है, हैंड ब्रेक लगा हुआ है, गाड़ी आगे नहीं जाएगी जब तक हम फर्स्ट गियर नहीं लगाएंगे। तो डरने की ज़रूरत नहीं है, गाड़ी के इंजन को स्टार्ट करने के बाद आप एक मिनट दो मिनट आराम से इंजन को स्टार्ट रख सकते हैं और ड्राइविंग सीट पे बैठ के आराम से अपना बीपी लो कर सकते हैं। यहाँ पे शायद आपको डर लगेगा ना, बीपी हाई हो जाएगा और इंजन स्टार्ट हो गया, अब मैं क्या करूँ, होता है ना ऐसे, तो बिल्कुल शांत रहना है। गाड़ी का केवल इंजन स्टार्ट होगा, आप लोगों ने गाड़ी के इंजन को स्टार्ट होने के बाद डरना नहीं है, बिल्कुल कहीं नहीं जाएगी गाड़ी जब तक हम क्लच दबा के गियर नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो ये थी आज की जानकारी, आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखना। मैं ड्राइविंग के क्षेत्र में आपके लिए अच्छे से अच्छा काम करने की कोशिश कर रहा हूँ और आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद इसी तरह बना रहा, इसी तरह आपने बनाए रखा, तो मैं ड्राइविंग के क्षेत्र में और अच्छे से अच्छा काम करूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ड्राइविंग मतलब हरियाणा मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल।